शैलेंद्र, आज हम आपसे बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्वांचल की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है। तो पूर्वांचल की लड़ाई में इस बार सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहां पर स्टार वार्स होने जा रहा है। एक तरफ सियासी सितारे अखिलेश पिता मुलायम की सीट पर मुकाबला लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भोजपुरी स्टार निरहुआ पर दांव खेलकर लड़ाई को कठिन बना दिया है। ऐसे में गठबंधन इस सीट पर अपना पूरा जोर दिखा रहा है। बुधवार को गठबंधन की रैली हुई जहां मायावती और अखिलेश ने अपनी ताकत कैसे दिखाई, इस रिपोर्ट में देखिए। आजमगढ़ में आर पार की लड़ाई, अखिलेश के लिए माया का कवच, कार्यकर्ताओं से इमोशनल अपील, बीजेपी कांग्रेस पर डबल अटैक। यूपी की सियासत में अब पूर्वांचल की लड़ाई बची है, और बची है स्टार वार्स की वो सीट जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आजमगढ़ में पिता मुलायम की सीट से अखिलेश मैदान में है। मामला रिश्तों का है तो नए रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा गठबंधन भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। माया पहले मुलायम के लिए मैनपुरी से दमदारी से प्रचार करती नजर आई थी, तो अब आजमगढ़ में भी अखिलेश के लिए उसी तेवर और उसी इमोशन के साथ खड़ी नजर आई और कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया कि यहाँ से अखिलेश नहीं, वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। मेरी अखिलेश यादव मुझे अपना बड़ा मान के चलते हैं और ये यहाँ से चुनाव लड़े हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग ये सोच कर चलो, मान कर चलो, ये अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े हैं बल्कि आपकी बहन जी चुनाव लड़ी है। मायावती ने कहा कि अखिलेश की ऐतिहासिक जीत होगी, बीजेपी अब कामयाब नहीं होगी, बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सामाजिक महापरिवर्तन का गठबंधन है, इस विशाल सामाजिक महापरिवर्तन के गठबंधन के साथ जुड़कर ही इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से, ऐतिहासिक वोटों के अंतर से इनको जरूर कामयाब बनाना है। जब तक नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके जो चेले हैं योगी को भी उत्तर प्रदेश से हम उखाड़ कर नहीं फेंक देते। शिवपाल यादव पर पहली बार बड़ा हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी ने अखिलेश के घर में शिवपाल के जरिए डकैती डलवाई, पैसे देकर उनसे पार्टी बनवाई और गठबंधन को हराने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को उकसाया गया। बीजेपी के लोगों ने तो श्री अखिलेश यादव के घर में भी एक घर को भी अछूता नहीं छोड़ा और इन्होंने शिवपाल यादव को बीजेपी के लोगों ने तोड़कर उसको आगे करके अलग से पार्टी बनाई और ये सोचकर बनाई कि जगह जगह इनके माध्यम से बीजेपी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े होंगे और ये सपा का कितना वोट काट सकते हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपने कैंडिडेट भी इनके माध्यम से खड़े करवाए। गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन बहुत मजबूत हो रहा है, पुराने पीएम फेल हो चुके हैं और नया पीएम आने वाला है। इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल और 2 साल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जनता के बीच बहुत निराशा है, किसान दुखी है, नौकरी और रोजगार छिने हैं, व्यापार बंद हुआ है, इस सबका जवाब जनता देने के लिए महागठबंधन के साथ है। ये सबका साथ सबका विकास भूल चुके हैं, रोजगार भूल चुके हैं, की आय दुगनी करेंगे भूल चुके हैं, काला धन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा भूल चुके हैं, तो क्या करेंगे। आजमगढ़ में जातीय समीकरण स्टारडम को साधते हुए बीजेपी ने निरहुआ को मैदान में उतार कर आजमगढ़ की लड़ाई को सबसे दिलचस्प बना दिया है, जिसमें बाजी कोई भी मारे लेकिन अभी सबकी कोशिश माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की ही दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आजमगढ़ का गदर इस बार बेहद